जहां नक्सलियों की बोलती है तूती। जहां की जमीन खून से होती है लाल। जहां के लाल फंस जाते हैं लाल चंगुल में। जहां युवाओं के हाथों में होते हैं बंदूक। जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता है जंगल। जहां बंदूक के दम पर चलता है नक्सल राज। वहां अब नक्सलियों को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। बंदूक वाले नक्सली वॉलीबॉल से हारेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बड़ी खबर की शुरुआत आज ना सियासी बयानबाजी से ना ही किसी सवाल से। आज शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से जो बताती है कि नक्सलियों को किस तरह बंदूक के मुकाबले हम खेल के जरिए भी उनका मुकाबला कर सकते हैं। ये तस्वीर नक्सलियों को परेशान कर सकती है। ये तस्वीर बताती है कि नक्सलियों की कमर सिर्फ हथियार से ही नहीं खेल से भी तोड़ी जा सकती है। तस्वीर नक्सल प्रभावित क्षेत्र लोहरदगा की है, जहां पुलिस ने हथियार छोड़ो वॉलीबॉल खेलो अभियान के तहत युवाओं को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है। नक्सलियों का गढ़ लोहरदगा। यहां की जमीन के ज्यादातर हिस्से नक्सलियों के खूनी खेल से लाल होते रहे हैं। यहाँ के जंगलों में आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रहती है। आज भी
विकास की रोशनी यहाँ के कई हिस्सों में फैले अंधेरे के सामने दम तोड़ देती है। यहाँ के युवाओं के हाथ कलम नहीं, नक्सलियों के कहने पर हथियार उठाने को मजबूर है। उनके जहन में सुनहरे सपने नहीं, बल्कि खूनी खेल को अंजाम देने का खौफनाक मकसद पलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तस्वीर लोहरदगा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र की है, जहां के युवाओं के हाथ में हथियार नहीं बल्कि वॉलीबॉल है। दरअसल यह तस्वीर लोहरदगा पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान हथियार छोड़ो वॉलीबॉल खेलो अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को नक्सलियों के चंगुल में फंसने के बजाय मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हथियार डालिए और वॉलीबॉल खेलिए, इस तरह की एक संज्ञा दी गई है और लोहरदगा पुलिस कप्तान कार्तिक और उनकी टीम ने इसको एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ इसको किया है। इसके पीछे तर्क ये है या दर्शन ये है कि वायलेंस, हिंसा के मार्ग को अपनाकर कभी कुछ पाया नहीं गया है। नक्सली भले लोगों को बरगलाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो नौजवान हैं या इवन टीनेजर्स हैं वो उनके साथ आ जाएं और हथियार उठाएं और लड़ाई लड़ें और खूनी संघर्ष करें, इसका अंततः फलाफल कुछ होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग मारे जाते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और किसी को एक रत्ती भर का फायदा नहीं होता, जो होता है नुकसान ही होता है, सब कुछ नेगेटिव होता है। इस अभियान के तहत हर थाना क्षेत्र से टीम तैयार की जाती है और फिर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। ये टूर्नामेंट 2000 में शहीद तत्कालीन एसपी अजय सिंह की याद में आयोजित किया जाता है। साल 2000 में नक्सलियों ने अजय सिंह की हत्या कर दी थी। हम लोग जो है बंदूक छोड़ो वॉलीबॉल खेलो करके एक अभियान चला रहे हैं, जिसके माध्यम से शहीद अजय मेमोरियल कप फॉर लोहरदगा वॉलीबॉल चैंपियनशिप लीग चल रहा है। ये पूरा आयोजन पिछले 28 मार्च से शुरू हुआ था। पिछले एक महीने से जो है हर थाना स्तर से 8-8 टीम खिलवा करके, एक एक टीम चिन्हित करके, लास्ट में 10 टीम्स के साथ इधर लोहरदगा में डिस्ट्रिक्ट लेवल लीग मैच चल रहा है। जाहिर है इस अभियान से न सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस और जनता के बीच दूरी कम होगी, बल्कि यहाँ के लोगों को बहला फुसलाकर अपने संगठन में शामिल करने के नक्सलियों के नापाक मंसूबे भी नाकाम किए जा सकेंगे। सनी शरद, जी मीडिया, रांची। और नक्सलियों के गढ़ में चलाए जा रहे अभियान हथियार छोड़ो वॉलीबॉल खेलो अभियान के लिए बाकायदा थीम सॉन्ग भी तैयार किया गया है और ये थीम सॉन्ग इन दिनों यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है।
जिसमें हम लोग एक हथियार छोड़ो वॉलीबॉल खेलो करके एक थीम सॉन्ग भी बनाए थे जो यूट्यूब में वायरल हो रही है।